विधिक शिक्षा के सेगमेंट में एक बार फिर आपके साथ हूं, आपका मित्र मैं मनमोहन जोशी। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं लॉ ऑफ एविडेंस से एक महत्वपूर्ण डॉक्ट्रिन, एक बेहतरीन सिद्धांत। मुझे लगातार मैसेजेस से, मैसेंजर से, फेसबुक पर, वेबसाइट पर ये जानकारी लोग मांग रहे हैं कि सर लॉ ऑफ एविडेंस पर लेक्चर बनाइए। और सबसे ज़्यादा जो जानकारी मांगी जा रही है वो है रेस जेस्टे पर जानकारी। तो आज हम बात करेंगे रेस जेस्टे पर। तो ये रेस जेस्टे एक लैटिन वर्ड है और इसका संबंध है धारा 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से। तो रिपीट कर दूं, रेस जेस्टे इज अ लैटिन टर्म एंड इट इज रिलेटेड टू सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। लोग बार बार ये डिमांड कर रहे हैं कि सर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बोलिए। तो आज का ये लेक्चर मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लेकर आया हूं। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो प्लीज कॉपी और पेन ऑन कर लें, चीजों को हिंदी में लिखते जाएं, क्योंकि मैं हिंदी में आपको समझाता चलूंगा। और इंग्लिश मीडियम वाले आप इंग्लिश में चीजों को नोट करते जाएं, नोट्स बनाते जाएं। जो स्लाइड्स आएंगे आपके सामने आज वो इंग्लिश में होंगे, जिनको मैं कि हिंदी में डिस्क्राइब करता चला जाऊंगा, एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। तो हिंदी इंग्लिश दोनों को लेकर के मैं आज ये लेक्चर बना रहा हूं। तो प्लीज कोऑपरेट करिए, क्योंकि दोनों भाषाओं में साइमल्टेनियसली करना इज अ क्वाइट टफ जॉब। सो हियर आई एम विद यू एंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक रेस जेस्टे। तो मैंने बताया डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे धारा 6 साक्ष्य अधिनियम में है। और समझते हैं रेस जेस्टे क्या है, इसका ओरिजिन कहां से है और कौन कौन से केसेस हैं जो इससे रिलेटेड हैं। लेक्चर पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि रेस जेस्टे के बारे में सारी जानकारी आज मैं इस लेक्चर में दे जाऊंगा। तो देखते हैं स्लाइड में रेस जेस्टे के बारे में। सो रेस जेस्टे इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स थिंग्स डन। दिस इज द रूल ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस एंड इज एन एक्सेप्शन टू हियरसे रूल ऑफ एविडेंस। ये जो रेस जेस्टे है एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है थिंग्स डन या कार्य जो किए गए हैं। और ये साक्ष्य विधि का एक नियम है जो कि सुनी सुनाई साक्ष्य हियरसे रूल का अपवाद है। इसकी परिभाषा में अगर जाते हैं तो आप देख रहे हैं डेफिनेशन क्या है इसकी। तो ये एक नाउन है जिसका मतलब है थिंग्स डन, और इसके मतलब और भी होते हैं द एक्ट्स मतलब किए गए कार्य, सर्कमस्टेंसेस जिसका मतलब है परिस्थितियां, एंड स्टेटमेंट्स दैट आर इंसिडेंटल टू द फैक्ट्स ऑफ अ लिटिगेटेड मैटर, या ऐसी कोई कथन है जो कि आरोपित मामले से संबंधित हैं। इसके ओरिजिन के बारे में जाएं तो 1610 से 1620 1610 to 1620 ये लैटिन ओरिजिन है इसका, और जिसका मतलब है थिंग्स डन मैंने पहले ही बताया है। सो द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे स्टेटमेंट्स कैन फॉल इनटू वन ऑफ थ्री कैटेगरीज। ये तीन में से किसी एक कैटेगरी में आता है रेस जेस्टे। ये क्या है देखें, नंबर वन, वर्ड्स और फ्रेजेस दैट ईदर होली और पार्शियली एक्सप्लेन अ फिजिकल एक्ट, ऐसा कोई कथन है या ऐसा कोई कार्य है जो पूरी तरह से या किसी भाग में, किसी अंशतः, किसी फिजिकल एक्ट, किसी भौतिक कार्य को बताता है, व्याख्या करता है। सेकेंडली देखें, एक्सक्लेमेशन दैट आर सो स्पॉन्टेनियस दैट दे प्रिवेंट एनीवन फ्रॉम सक्सेसफुली लाइंग टू द कॉन्ट्ररी। ऐसे कुछ चौंकने वाली बात हैं, एक्सक्लेमेशंस हैं जो किसी भी व्यक्ति को उस जो कार्य हुआ है उससे संबंधित किसी कार्य के विपरीत कुछ बोलने से रोकता है, मना करता है। एंड द थर्ड वन इज स्टेटमेंट्स दैट प्रूव एन इंडिविजुअल्स स्टेट ऑफ माइंड। ऐसे कोई तथ्य हैं, ऐसी कोई बातें हैं, कोई कथन हैं जो किसी व्यक्ति के मन के दशा को, मन के भावों को प्रकट करता है। तो आपने समझा कि रेस जेस्टे क्या है। रेस जेस्टे है पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, ऐसे कोई कार्य जो किसी कार्य के संव्यवहार का भाग है। फैक्ट दोज आर द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन नोन एज रेस जेस्टे। मैंने भी बताया कि ये लैटिन ओरिजिन से आता है, 1610 के आसपास इसकी उत्पत्ति हुई है। और ये जो डॉक्ट्रिन है रेस जेस्टे, इसका मतलब है किए गए कार्य या ऐसे कार्य जो एक दूसरे से आपस में ऐसे संबंधित हैं कि वे एक ही संव्यवहार का भाग बनाते हैं, दे फॉर्म द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। आइए समझते हैं इसके बारे में और अगली स्लाइड्स में। The doctrine of res gestae is portrayed under section 6 of the Indian Evidence Act 1872 in the following words. इसकी परिभाषा धारा 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में दी गई है, जो निम्नवत है, आप देखें। Facts which though not in issue, हिंदी वाले लिखते चले जाएं कि वे तथ्य जो विवाद का विषय नहीं है, are so connected with the facts in issue, लेकिन विवाद्यक तथ्यों से, विवाद के विषयों से ऐसे जुड़े हुए हैं, सो एज टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, कि वो उसी संव्यवहार का भाग बन जाते हैं, आर रिलेवेंट, सुसंगत होते हैं, वेदर दे अकर्ड एट द सेम टाइम इन प्लेस और एट डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस।
देखिए ये धारा बहुत ही आसान सी बात कह रही है, अगर आपको समझ में बातें मेरी आ जाएं तो मजा आ सकता है, क्योंकि हम दो शब्द यहां से और लेकर आ रहे हैं। एक शब्द आया है फैक्ट तथ्य, एक शब्द आया है विवाद्य फैक्ट इन इशू, और एक शब्द यहां पर में आया है जिसे हम कहते हैं रिलेवेंट फैक्ट सुसंगत तथ्य। इनको भी समझते चले, तथ्य क्या है, फैक्ट क्या है, तो वो हर कुछ जिसे आप अपनी इंद्रियों से बोधगम्य करते हैं, Whatever can be perceived by your senses is known as physical fact। हम कहते हैं ये भौतिक तथ्य हैं। इसकी परिभाषा आपको साक्ष्य विधि में धारा 3 में मिलेगी। तो जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये एक तथ्य है। मैं एक ऑफिस में बैठा हुआ हूँ जहाँ पीछे किताबें रखी हुई हैं, ये एक फैक्ट है। मैंने ग्रीन कलर का एक शर्ट पहन रखा है, ये एक फैक्ट है। आप यूट्यूब पर या फेसबुक पर मुझे सुन रहे हैं, ये एक फैक्ट है। तो जो कुछ भी आपका आप अपनी इंद्रियों से अपने सेंसेस से परसीव करते हैं, बोध करते हैं उसका, ये जो है तथ्य होता है, इसे हम कहते हैं फिजिकल फैक्ट। लेकिन वहीं साइकोलॉजिकल और मेंटल फैक्ट भी होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मानसिक तथ्य। तो बहुत समझने की बात है, मेंटल एलिमेंट क्या है आपको ये भी जानना चाहिए, विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाय योर सेंसेस, जिसे आप इंद्रियों से बोधगम्य नहीं कर पाते, लेकिन हाँ उनका अस्तित्व होता है। जैसे मन की दशा, किसी के मन में क्या है इसे आप अपनी आंखों से या नहीं समझ सकते, ये तो परिस्थितियां बताती हैं। तो मन की दशा, संवेदना, इल विल वैमनस्य जिसे हम कहते हैं, या गुड फेथ सदिच्छा हम कहते हैं, रेस्टनेस उतावलापन, ये चीज़ें हैं, ये कुछ मन की भावनाएं हैं। तो ये भी तथ्य हैं जिन्हें हम कहते हैं मेंटल फैक्ट। फिर रिलेवेंट फैक्ट या सुसंगत तथ्य क्या है, तो एविडेंस एक्ट में पूरा का पूरा चैप्टर 2 रिलेवेंट फैक्ट्स के बारे में बात करता है, धारा 5 से लेकर 55 तक, सेक्शन 5 to 55। ये रिलेवेंसी क्या है, मतलब ऐसी कोई बात जिसका संबंध मामले से है, एनी फैक्ट विच इज कनेक्टेड टू द सब्जेक्ट मैटर इज नोन एज रिलेवेंट फैक्ट, वो सुसंगत है। तो इसके बारे में हम बहुत डिटेल में लेक्चर्स लेकर आएंगे, आप बस जुड़े रहें और समझते रहें साक्ष्य विधि को। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो साक्ष्य विधि या एविडेंस एक्ट है, ये कमाल का कानून है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत है। एक जगह कहीं कोई बात लिखी हुई है तो उसकी ही कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट आपको कहीं और मिलेगा। और आपको बता दूं, लॉ ऑफ एविडेंस को कहते हैं लेक्स फोरी लॉ, लॉ ऑफ द फोरम, क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूं कि कोर्ट को गवर्न कौन करता है, कोर्ट का संचालन कौन करता है। तो आपकी जानकारी के लिए लॉ ऑफ एविडेंस, अगर आपके पास लॉ ऑफ एविडेंस की जानकारी है तो आप एक अच्छे अधिवक्ता हो सकते हैं, एक अच्छे एडवोकेट हो सकते हैं। और अगर आपके पास लॉ ऑफ एविडेंस की जानकारी है तो यकीन माने आप एक अच्छा जज बन सकते हैं। तो ये जानकारी मैं दे रहा हूँ रेस जेस्टे के बारे में, सेक्शन 6 से ये निकल कर आता है, और हम समझ रहे हैं स्लाइड्स के माध्यम से इस डॉक्ट्रिन को। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और समझते हैं और कुछ बातें रेस जेस्टे के बारे में। द टर्म रेस जेस्टे ओरिजिनली वॉज यूज बाय द रोमन्स टू मीन एक्ट्स डन और एक्टस। ये जो शब्द रेस जेस्टे है, इसका उपयोग पहले रोमन्स के द्वारा किया गया था, जिसका मतलब था किया गया कार्य या कोई संव्यवहार। The English and American writers described it as a fact that formed the same transaction. अंग्रेज और अमेरिकन लेखकों ने इसे एक ही संव्यवहार के भाग के रूप में बताया है। Res gestae are those facts which automatically or naturally form a part of the same transaction. Res gestae वो तथ्य हैं जो कि automatically or naturally किसी भी संव्यवहार का भाग बनते हैं। They are the acts Talking for themselves, वे वो तथ्य हैं जो स्वयं अपने बारे में बात करते हैं। These facts become relevant due to their association with main transaction, which itself is a relevant fact in the nature of fact in issue. ये वो तथ्य हैं जो सुसंगत हो जाते हैं क्योंकि वो किसी संव्यवहार से ऐसे जुड़े हुए हैं कि स्वयं ही विवाद्यक तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करते हैं और सुसंगत हो जाते हैं। Circumstantial facts are admitted as forming a part of res gestae, for example, it being a part of original proof of what has taken place. तो जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य होते हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं, आपकी जानकारी के लिए वो भी रेस जेस्टे के अंतर्गत ग्राह्य होते हैं, इस यहीं वो एडमिसिबल होते हैं। तो सेक्शन 6 के इलस्ट्रेशन देखते हैं कि धारा 6 में क्या दृष्टांत है। According to this illustration, A is accused of the murder of B by beating him. A के ऊपर आरोप लगाया गया है कि उसने B को पीट कर मार डाला है। Whatever was said or done by A or B or by the bystanders at the beating or so shortly before or after it as to form part of the transaction is a relevant fact. ये illustration ये कहता है कि
कि पीटे जाते समय या पीटे जाने के बाद ए ने जो कुछ कहा या बी ने जो कुछ कहा या आसपास खड़े हुए लोगों ने जो कुछ कहा, ये सारी बातें पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन है, संव्यवहार का भाग है, इसीलिए धारा 6 में सेक्शन 6 में रिलेवेंट होंगी, सुसंगत होंगी। तो अभी आपने बहुत डिटेल में समझा कि ये रिलेवेंट फैक्ट क्या हैं। तो आपको एक जानकारी मैं और दे दूं कि जो बातें वेस्ट जिस्टे में आती हैं, एक ही संव्यवहार का भाग हैं, जो धारा 6 में रिलेवेंट है, वही बातें सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9 में और तरह से रिलेवेंट हो जाती हैं, सुसंगत हो जाती हैं। जैसे जो कुछ भी अपराध के होने के बाद हुआ, घटा, अभियुक्त का आचरण है और यह पश्चातवर्ती आचरण है, सबसिक्वेंट कंडक्ट कहलाता है। अपराध के होने के पहले अगर कुछ घटा है तो वह पूर्व का आचरण है। अगर इसका संबंध अपराध की तैयारी से है, प्रिपरेशन से है, तो प्रिपरेशन जो है वो रिलेवेंट है धारा 8 में। अगर इसका संबंध कॉज या इफेक्ट से है तो ये है धारा 7 में। तो और सेक्शन से जहाँ इसकी रिलेवेंसी होती है, इसीलिए कई बार क्रिटिसाइज किया जाता है, इसकी आलोचना की जाती है और कहा जाता है कि धारा 6 जो है सेक्शन 6 एक यूजलेस सेक्शन है या इस धारा का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। इसके बारे में भी हम समझेंगे कि क्रिटिसाइज किसने किया है, आलोचना किसने करी है और क्या आलोचना है। फिलहाल कुछ इंपॉर्टेंट केसेस पर नजर डालते हैं, लीडिंग केसेस पर। ये लीडिंग केसेस में क्या बातें आई हैं उनको मैं आपको समझाते जाता हूं वन बाई वन इन स्लाइड्स में। देखते हैं लीडिंग केसेस रिलेटेड टू रेस जेस्टे। तो सबसे पहला केस जो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है वो है रटन वर्सेस क्वीन, रटन बनाम क्वीन का मामला है। इस मामले में क्या हुआ था देखें, द विक्टिम हु वाज वाइफ, पीड़िता जो कि महिला पत्नी थी, हैड कॉल्ड द पुलिस फॉर हेल्प बट बिफोर ऑपरेटर कुड कनेक्ट हर टू द पुलिस हर कॉल वॉज डिसकनेक्टेड। महिला ने टेलीफोन एक्सचेंज में कॉल लगाया और उसने कहा कि पुलिस को मिलाइए, लेकिन इससे पहले कि पुलिस को फोन लगता, फोन डिसकनेक्ट हो गया। लेटर द पुलिस फाउंड हर डेड बॉडी फ्रॉम हर हाउस फ्रॉम वेयर द कॉल वॉज मेड एंड द टाइम ऑफ डेथ एंड द टाइम ऑफ फोन कॉल वॉज ऑलमोस्ट द सेम। पुलिस को महिला की जो मृत शरीर है, डेड बॉडी है, वो बरामद हुई उस घर से जहाँ से फ़ोन आया था, और जो फ़ोन करने का समय है और जो मरने का समय है, मृत्यु का समय है, वो लगभग समान पाए गए। द कॉल मेड टू द पुलिस केम अंडर द परव्यू ऑफ सेक्शन 6। ये माना गया कि ये जो फ़ोन लगाया गया था यह धारा 6 के अंतर्गत पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन संव्यवहार का भाग है, एंड देयर बाय डिफिटेड द अक्यूज हस्बैंड्स डिफेंस दैट ही एक्सीडेंटली फायर्ड हिज वाइफ। जो उसका पति है उसने कहा था कि उसने दुर्घटनावश गोली चल गई और पत्नी को गोली लग गई। इस बात को डिफीट करने के लिए ये जो तथ्य था कि महिला ने पुलिस को फ़ोन लगाया था और पुलिस से बात करना चाह रही थी, ये बताता है कि कुछ तो घटना घटने वाली थी। तो इससे सुसंगत माना गया, रिलेवेंट माना गया रटन वर्सेस क्वीन का केस जो आपके सामने है। एक दूसरा केस आपके सामने दिखाई पड़ रहा है सुखार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, सुखार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला है। The accused in this case shot the victim when he raised an alarm. इस मामले में अभियुक्त ने पीड़ित को गोली मार दी जब उसने आवाज लगाई, जब उसने लोगों को बुलाया, पुकार लगाई। On hearing the alarm, the witness reached almost at the same time when the victim told that the accused shot at him. जो साक्षी था वो आवाज सुनकर पहुंचा वहां पर में, और जैसे ही वो पहुंचा तो पीड़ित ने उसे बताया कि अभियुक्त ने उस पर गोली चलाई है। The victim did not die. पीड़ित मरा नहीं था। The accused was charged with section 307 IPC 1860. जो अभियुक्त है उस पर धारा 307 मतलब ये हत्या का प्रयत्न करने के लिए आरोप लगाया गया। However, during the trial, the victim died. हुआ ये कि विचारण के दौरान पीड़ित की मृत्यु हो गई। Despite being hearsay evidence, जो कुछ भी इस व्यक्ति ने सुना था वो सुनी सुनाई साक्ष्य है, क्योंकि हमारा जो साक्षी है उसने गोली चलाते हुए नहीं देखा। उसे पीड़ित ने बताया था कि मुझ पर गोली चलाई गई है, अभियुक्त ने गोली चलाया है। तो इसे हम कहते हैं सुनी सुनाई बात या हियरसे एविडेंस। द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस वॉज हेल्ड टू बी एडमिसिबल एज इट फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। लेकिन उसके बाद भी, बावजूद भी, ये जो विटनेस है, साक्षी है, इसकी बात को सुसंगत माना गया धारा 6 में, क्योंकि वह पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन था, यानी एक ही संव्यवहार का भाग था। द इवेंट ऑफ द विक्टिम बीइंग शॉट and witness being told by the victim about the accused was contemporaneous. दोनों ही बातें एक साथ घटी थीं, इसीलिए वो एक ही संव्यवहार का भाग थीं। अगला केस जो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है वो है सावलदास वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, सावलदास बनाम बिहार राज्य का मामला है।
द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द हाउस व्हेन देयर मदर वॉज बीइंग किल्ड बाय देयर फादर बिकेम अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन. इस मामले में हुआ ये था कि एक पति ने अपनी पत्नी को जान से मार दिया था और उसके बच्चों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ घर से बाहर आई थी. इस बात को एक ही संव्यवहार का भाग माना गया. Therefore, fell under Section 6 and became admissible as valid evidence. और इस बात को धारा 6 के अंतर्गत सुसंगत साक्ष्य माना गया. क्विन वर्सेस अब्दुल्ला का जो मामला था ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग मामला है क्योंकि इसका संबंध दो धाराओं से है. एक तो है डाइंग डिक्लेरेशन. इसमें बात ये निकल कर आई थी कि डाइंग डिक्लेरेशन या मृत्युकालिक कथन ये क्या है, इस पर अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा. अभी परेशान होकर कि आप मैसेज नहीं पूछना कि सर मृत्युकालिक कथन क्या है, अलग से एक लेक्चर हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे. व्हाट इज द डाइंग डिक्लेरेशन, इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है सेक्शन 32 एविडेंस एक्ट से. अभी समझिए क्विन वर्सेस अब्दुल्ला के बारे में. इसमें दो बातें निकल कर आती हैं. पहला तो ये कि इस मामले में ये पता चला कि इशारों से, संकेतों से भी मृत्युकालिक कथन किया जा सकता है. By gestures, dying declaration can be made. Number one. दूसरी बात इसमें निकल कर आई थी कि ये जो कुछ भी हत्या के बाद या अपराध के बाद मरने वाले ने, मृतक ने कहा या किया है या संकेत दिया है, ये पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन होगा और धारा 6 में रिलेवेंट होगा. इसमें हुआ क्या था आप समझें, फिर मैं स्लाइड में आपको एसेंशियल फाइंडिंग जो है वो रीड आउट कर दूंगा. इसमें हुआ ये था कि एक आदमी ने एक लड़की का गर्दन रेत दिया. गले को काटने पर उसका वोकल कॉर्ड कट गया जिस कारण वो बोल नहीं पा रही थी. तो जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसकी माँ ने कहा कि मैं घर में जो लोग थे उस समय उन सभी का नाम लेती हूँ और तुमको लगे जो भी था तो तुम मेरा हाथ दबा देना. तो हुआ ये कि वो नाम लेती गई और जैसे ही अब्दुल्ला का नाम आया उस लड़की ने हाथ दबाया. ये जेस्चर था, ये माना गया कि अब्दुल्ला जो है उसने उसकी हत्या की थी और इस बात को डाइंग डिक्लेरेशन माना गया, 32(1) में रिलेवेंट माना गया और पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन धारा 6 के अंतर्गत भी सुसंगत माना गया. तो देखिए क्विन वर्सेस अब्दुल्ला का स्लाइड में आपको दिखा रहा था. तो क्विन वर्सेस अब्दुल्ला वाले केस में क्या हुआ था समझें. द जेस्चर मेड बाय द विक्टिम हु वाज डाइंग, जो इशारा या संकेत मरने वाले व्यक्ति के द्वारा, पीड़ित के द्वारा किया गया था, दैट द अक्यूज्ड हैड किल्ड हर केम अंडर द परव्यू ऑफ रेस जेस्टे. ये सारी बातें एक ही संव्यवहार के भाग के अंतर्गत एज ए रेस जेस्टे रिलेवेंट मानी गई. एक केस और देखते हैं, यह है श्याम नंदन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. श्याम नंदन सिंह बनाम बिहार राज्य का मामला है. इस मामले में एन एफ आई आर वॉज लॉज्ड सून आफ्टर द इंसिडेंट बाई पर्सन हु विटनेस्ड इट. FIR दर्ज की गई अपराध के होने के बिल्कुल ठीक बाद. तो इस मामले में बहुत इंटरेस्टिंग ये मामला है आप समझें, श्याम नंदन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, क्योंकि इसमें FIR को धारा 6 के अंतर्गत पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन माना गया. इट वॉज हेल्ड दैट FIR टू बी अ पार्ट ऑफ द हैपनिंग सो इट केम अंडर द परव्यू ऑफ सेक्शन 6. FIR को रजिस्टर का भाग माना गया था श्याम नंदन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार में. आप नोट्स बना रहे हैं इसे लिखते चलें. कुछ केसेस और रह गए हैं, मैं चाह रहा हूं कि आप नोट्स बनाते चलें. अगर आप इस बातों को ध्यान से समझ पा रहे हैं तो बढ़िया है, अदरवाइज पॉज कर दीजिए, वीडियो को वापस से रिवाइंड करिए, फिर से देखिए, चीज़ों को लिखिए और बार बार देखिए जब तक आपको याद ना हो जाए. ये केसेस जो मैं आपको बता रहा हूँ ये लीडिंग केसेस हैं. सिविल जज, ADJ, ADPO, APP के एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं. अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये केसेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप LLB या LLM कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही. अगर आप खुद टीचिंग करते हैं तो इस तरह से अगर आप टीचिंग करेंगे इस कंटेंट के साथ में तो ज़रूर स्टूडेंट आपको पसंद करेंगे और आपकी टीचिंग को पसंद करेंगे. और अगर आप एक आम इंसान हैं तो आपको कानून की जानकारी होनी ही चाहिए. ये केस लॉज हमको कानून को समझने में मदद देते हैं. तो आप समझ रहे थे कानून केस लॉज के माध्यम से. मैं अगले केस पर चलता हूं इस स्लाइड पर. जो नेक्स्ट केस आपके सामने स्लाइड पर है वो है जावेद आलम वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का मामला. इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 6 इज एक्सेप्शन टू रूल ऑफ हियरसे एविडेंस. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया था कि धारा 6 हियरसे एविडेंस सुनी सुनाई साक्ष्य का अपवाद है. तो ये हियरसे एविडेंस क्या है, सुनी सुनाई साक्ष्य क्या है, अगेन ये अपने आप में एक टॉपिक है जिसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे. सेक्शन 60 धारा 60 इंडियन एविडेंस एक्ट इस बारे में प्रावधान करता है हियरसे एविडेंस के बारे में. और धारा 60 का अपवाद है धारा 6, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा. तो 60 और 6 इन दोनों को ध्यान से सुनिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि अगले लेक्चर में जब मैं सेक्शन 60 के बारे में बात करूंगा हियरसे एविडेंस के बारे में तो सेक्शन 6 वापस से हम रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे. चलते हैं अगले स्लाइड में, नेक्स्ट केस में. एक केस हमारे पास में है
आर वर्सेस बिडिंग फील्ड का मामला 1879 का ये केस है। अ वुमन विद हर थ्रोट कट केम सडनली आउट ऑफ अ रूम, एक महिला जिसका गर्दन कटा हुआ था अपने कमरे से बाहर आई। When she was in a room at the time, उस समय वो अपने कमरे में थी जब गर्दन कटा, वहाँ से बाहर आई। In which she had been injured and shortly before she died, जहाँ वो उसको चोट पहुँचाई गई थी उस कमरे में, वहाँ से वो निकल कर आती है और मरने के ठीक पहले अपनी आंटी से कहती है, ओ डियर आंटी सी वॉट बेडिंग फील्ड हैज़ डन टू मी, देखो बेडिंग फील्ड ने मेरे साथ क्या कर दिया है। इट वॉज हेल्ड इन एडमिसिबल एज अ पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जानकारी में रखना चाहिए कि इस बात को एक ही संव्यवहार का भाग नहीं माना गया, इस बात को सेक्शन 6 में रिस जेस्टे का पार्ट नहीं माना गया, इस बात को रिलेवेंट नहीं माना गया सेक्शन 6 में, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट स्लाइड जो आपके सामने दिखाई पड़ रही है ये है राम सिंह वर्सेज कर्नल राम सिंह का केस, 1985 का ये मामला है। इन दिस केस इट वॉज हेल्ड दैट The tape recorded evidence is admissible provided that the originality and authenticity of the tape are free from doubt. Court ने ये कहा कि tape recorded evidence जो है वो admissible है क्योंकि ये part of transaction संव्यवहार का भाग है, लेकिन तभी जब इसकी originality, ये जो originality इसकी है ये प्रश्नवाचक चिन्ह में ना हो, इस पर प्रश्न उठाया गया हो, ये authenticity इसकी प्रमाणिकता जो है वो शंकास्पद ना हो, free from doubt हो, तो ही ये relevant होगा। The contemporaneous dialogue tape recorded may form of res gestae and it is relevant and admissible under section 6, 7 and 8 of the evidence act. Court ने ये भी कहा कि जब जो घटना घट रही थी उस समय जो कुछ भी हुआ उसका टेप रिकॉर्डेड दस्तावेज एक अच्छा साक्ष्य है, ये रेस जेस्टे का पार्ट है और धारा 6, 7 और 8 में ये रिलेवेंट हो सकते हैं, सुसंगत हो सकते हैं। तो अभी आपने समझा कि रेस जेस्टे क्या है, रेस जेस्टे का डॉक्ट्रिन क्या है, कहाँ से ये इवॉल्व हुआ है, धारा 6 में इसके बारे में क्या बातें हैं और कौन कौन से केसेस हैं जो सीधे रेस जेस्टे से जुड़ते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। लास्ट स्लाइड में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्रिटिसाइज किया जाता है इस धारा को, इसकी आलोचना की जाती है और आलोचना सिर्फ इसलिए की जाती है कि इसका विस्तार नहीं बताया है सेक्शन 6 एविडेंस एक्ट में, और जो बातें सेक्शन 6 में रिलेवेंट होती हैं वही बातें और भी सेक्शंस हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के जहां पर रिलेवेंट हो जाती हैं, तो इसकी आलोचना के बारे में समझते हैं क्या आलोचना की जाती है। सो क्रिटिसिज्म ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे, इसकी आलोचना क्या है रेस जेस्टे के सिद्धांत की, ये देखते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे हैज ऑफन बीन क्रिटिसाइज्ड, इसकी लगातार अधिकतर आलोचना की जाती है। अकॉर्डिंग टू विगमोर, प्रोफेसर विगमोर कहते हैं कि द रूल ऑफ रेस जेस्टे इज नॉट ओनली यूजलेस बट ऑल्सो हार्मफुल, ये जो सिद्धांत है रेस जेस्टे का ये तो बेकार है ही है, ये नुकसानदायक भी है। अपने इस कथन के स्टेटमेंट के क्लेरिफिकेशन में प्रोफेसर विगमोर कहते हैं, इट इज़ यूजलेस बिकॉज एवरी पार्ट ऑफ इट इज कवर्ड बाई सम अदर रूल एज टू रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। वो कह रहे हैं जो कुछ भी धारा 6 में है वो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के और जो रूल्स हैं उसमें कवर होते हैं, उसके अंतर्गत आते ही आते हैं। इट इज़ हार्मफुल, वो कहते हैं हार्मफुल इसीलिए है बिकॉज इट क्रिएट्स कन्फ्यूजन अबाउट द लिमिटेशन ऑफ द अदर रूल्स। वो कहते हैं ये नुकसानदायक है, हार्मफुल है इसीलिए क्योंकि यह दूसरे और जो नियम हैं उनकी सीमाओं के बारे में कन्फ्यूजन पैदा करता है, शंकाएं पैदा करता है। द प्रिसाइज लिमिट्स ऑफ रेस जेस्टे आर देमसेल्व्स नॉट ईजी टू डिफाइन, ये जो डॉक्ट्रिन है रेस जेस्टे का इसकी सीमा जो है ये अपने आप में भी निश्चित नहीं है, इसको भी डिफाइन नहीं किया गया है। सो फ्रेंड्स, आज आपने समझा डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे एविडेंस एक्ट का, ये पहला लेक्चर था जो हमने आज आपसे बात की। लॉ ऑफ एविडेंस अपने आप में बहुत खूबसूरत कानून है, आपको ये पता होना चाहिए कि जेम्स फिट्ज़रॉल्ड स्टीफन महान विधिवेत्ता रहे हैं, लॉ स्कॉलर रहे हैं, इनकी किताब पहले से ही इंग्लैंड में चर्चित थी जिसका नाम था लॉ ऑफ एविडेंस, और इन्होंने 1872 का जो हमारा कानून है भारतीय साक्ष्य विधि उसको ड्राफ्ट किया है। बहुत शॉर्ट में संक्षेप में इन्हें हम सर स्टीफन के नाम से जानते हैं, इनका पूरा नाम है सर जेम्स फिट्ज़रॉल्ड स्टीफन। ये जो कानून है 1 सितंबर 1872 से लागू हुआ था पूरे भारत में, और खूबसूरत कानून है जिसके बारे में हम समझते रहेंगे, बहुत सारी जानकारियां मैं आप तक लेकर आता रहूंगा और कोशिश ये करेंगे कि हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में मैं आपको जानकारियां उपलब्ध करा सकूं। ज़रूर बताएं आज का ये लेक्चर कैसा लगा, थम्सअप करके, शेयर करके और कमेंट करके।
अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़ें हमसे हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर। आप हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर जुड़ सकते हैं और हमारा विधिक शिक्षा के वेबसाइट पर आप आ सकते हैं www.vidhikshiksha.com। आप जुड़े रहें, कानून समझते रहें, एम्पावर्ड होते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।